हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं KVS PGT इंग्लिश के आंसर की। यह आंसर की हमारी दो पार्ट में होगी। पहले पार्ट में हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की और सेकेंड पार्ट में हम इंग्लिश ग्रामर पे बात करेंगे। ठीक, यह आंसर की जो रहेगी 99.9% सही है। जाए आयोग के आंसर की आएगी तो आप उससे मिला लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन पे मैंने राउंड मार्क किया हुआ है ब्लैक कलर से, वो क्वेश्चन सही है, और जिसके आंसर की है उन्होंने दूसरा मार्क किया होगा, मे भी आप लोग कंसिडर करिए। अगर दो राउंड गोले किए गए हैं ऑप्शन पे, वो क्वेश्चन सही है। आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 93 से शुरू है। इधर ग्रामर है तो ग्रामर की एक वीडियो रहेगी, आप लोग देख लीजिएगा। 93 से शुरू है तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जनरली सिंग इन द शेक्सपियर्स प्ले। इसके ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन बी पे हम अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 पे सही होगा इसका। ठीक, तो आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, 94 पे। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसमें 94 में कह रहा है, इन विच ऑफ द नॉवेल हैज आर के नारायण फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग। तो इस क्वेश्चन पर जब हम गौर दें करेंगे तो इसमें फैमिली प्लानिंग की बात बैचलर ऑफ आर्ट्स में आर के नारायण ने कही है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैचलर ऑफ आर्ट में कही गई है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई ऑफ द राइट क्रॉनिकल ऑर्डर्स या क्रॉनिकल सिक्वेंस। क्रॉनिकल सिक्वेंस पे दिया गया है कि कब कब ये जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी और कॉमेडी लिखी गई तो क्या है। इसमें देखिए, जो टीमिंग ऑफ श्री हुए 1592 में सबसे पहले आई थी, उसके बाद जूलियस सीजर आता है, उसके बाद मैकबेथ आता है, यानी ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 2। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। आइए अगले पे आते हैं, 96। एस टी कॉलेज कुबला खान इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज एन। कुबला खान का जो एसटी कॉलेज का जो कुबला खान वर्क है, यह एक बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है। इसका सब टाइबल भी है फ्रेगमेंट, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ए पे हम मार्क करेंगे। आइए 97 पे, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। इन विच पोएम नजीम इज्कल डिस्पेक्ट द मूविंग पिक्चर ऑफ द सफरिंग ऑफ ए मदर। यह आप लोगों ने इंटर में पढ़ी होगी, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, जिसमें एक माता जी को बिच्छू मार देता है, उसके सफरिंग को इन्होंने दिखाया है, यानी हमारा करेक्ट आंसर 97 का हो जाएगा 2। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए 98 पे बात करते हैं। 98 क्वेश्चन देखिए, बेसिकली क्या है, इंडियन राइटर से कहा गया, विच ऑफ द इंडियन नॉवलिस्ट ओन द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन हिज फर्स्ट नॉवेल एंड हैज रिटन द मिनिस्टर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 20 ईयर्स आफ्टर हिज फर्स्ट नॉवेल। ठीक, तो ये अरुंधति रॉय जी हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए अरुंधति रॉय जी हैं इसका। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। 99 में ग्रामर क्लॉज से दे दिया गया है, स्टैंड स्टिल इफ यू वैल्यू योर लाइफ। इस ये नाउन क्लॉज है, मैं यहाँ पे आपको मार्क कर दे रहा हूँ, इसका 2 नंबर सही है, नाउन क्लॉज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से अगर बात करें तो 2 नंबर सही है, द एक्टर ऑफ शेक्सपियर प्ले हाउस वेयर ऑल मैन नो वुमेन अपेयर ऑन स्टेज। जो 16वीं शताब्दी में शेक्सपियर के प्ले होते थे, उस समय आदमी ही भी औरत का और जो औरतों का रोल होता था कर देते थे, इसलिए वहाँ औरत का रोल नहीं होता था। बिल्कुल सही है, ये 2 नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर होगा। आइए 101 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, द 3 ब्रोंटे सिस्टर यूज द सिडोनेम व्हेन दे पब्लिश देयर वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट यूज देम। देखिए, इसमें कहना है कि जो 3 ब्रोनेट सिस्टर थी, इमलीज ब्रोनेट, चार्लेट ब्रोनेट, तो वह कौन सा सीडोनिम नहीं यूज करती थी। तो इसमें एक ऑप्शन बी सही आंसर है, करवर बेल, इलिस बेल एंड एक्टन एक्शन बेल, ये यूज किया जाता था इन तीनों के साथ। ठीक, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। देखिए, क्लॉज से एक और क्वेश्चन आ गया, 102। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, द रीजन व्हाई आई डिड इज ओबियस। यह नाउन क्लॉज है, इसको ध्यान रखिएगा, ये नाउन क्लॉज है। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द बेस्ट नॉन न्यू क्रिटिक। इस न्यू क्रिटिक में इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग अगर लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो क्लिंट ब्रुक होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होता है इस चीज़ को बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आइए 104 में देखते हैं, 104 में, शेक्सपियर वीनस एंड अडोनिस एंड द एक्सेसिवली एक्सपेंसिवली रिटन इन मैथोलिकल पोएम इन 1194 लाइन ऑफ द वर्स इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ। यह ऑबिट की स्टोरी पर बेस्ड रहती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको देखे होंगे। आइए 105 पे बात करते हैं। 105 पे अगर बात करें तो हमारा 105 नंबर क्वेश्चन है, रोट रोट टू कंपनी
सेट्स ऑफ सॉन्ग शोइंग द कंट्री स्टेट ऑफ द ह्यूमन सोल। इसका मेरे अकॉर्डिंग टू पी वी शैली हमें लग रहा होगा, और किसके उन्होंने ही सॉन्ग ऑफ पे देखिए वो टू साइज काल रहा चाहे वेस्ट टू द वेस्ट विंड सॉन्ग के रूप में ही इन्होंने लिखा है ह्यूमन सोल की बात करके। इसको आप लोग अगर पी वी शैली करेक्ट होगा आप लोग देखिए, अगर कॉमेंट बॉक्स में लगता है तो बताइएगा। अगर 106 की बात करें तो इन विच अनिता देसाई नॉवेल ऑफ द सेंट्रल करेक्टर बियर द माइथिकल नेम सीता एंड राम। बहुत ही अच्छी नॉवेल है अनिता देसाई, जिसमें करेक्टर सीता और राम को इन्होंने दिखाया। इसका होगा वेयर सैल वी गो दिस समर, इसमें सीता और राम की करेक्टर का जिक्र हुआ है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन 107 पे बात करते हैं। गिवन द बिलो आर द नेम ऑफ द सम अमेरिकन पोएट एंड फर्स्ट लाइन अब देयर पोएम। देखिए ये अमेरिकन पोएम है, वे पोएट हैं, उनकी पोएम की लाइन इधर दी गई, आपको मैचिंग करना था। इसमें मैचिंग अगर आपने एक कर लिया, एलिजाबेथ बिशप, एलिजाबेथ बिशप का ए का ए दो नंबर का डी नंबर होगा, तो दो का डी केवल एक ही में है, दो का डी यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। एक का सी और दो का डी, तीन का बी, चार का ए, ठीक 107 का हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक आइए अगले क्वेश्चन बात करते हैं 108। आइडेंटिफाई द पोएम ऑफ शेक्सपियर रोट बेस्ड ऑन द स्टोरी ओबिड एंड टेल द मॉर्फोसिस। इसका तो बिल्कुल सही, अब एक क्वेश्चन पीछे मिला ही था हम लोग का, ऑप्शन ए वीनस एंड ओरियंस इसका सही आंसर है। आइडेंटिफाई द क्लॉज अंडरलाइन ही केम इन व्हाइल आई वाज आउट, ठीक इसमें एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात की गई, यानी ऑप्शन सी सही होगा। व्हेन द कॉमन व्हाट इज़ द कॉमन ऑफ द फॉलोइंग वुमेन कैरेक्टर इन शेक्सपियर। शेक्सपियर में क्या है जो कैरेक्टर दी गई हैं, जूलिया इन द टू जेंटलमैन ऑफ बरेना, रोजालिंड एज यू लाइक इट, वॉयला इन ट्वेल्थ नाइट एंड इमोजिन इन सिम्बलिन। ये सब अपने रूप को बदलती हैं अपने प्यार को पाने के लिए, तो इसका ऑप्शन दो सही होगा। 110 का हम ऑप्शन दो को करेक्ट मानेंगे। 111 पर अगर हम बात करें तो 111वां हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द ऑप्शन हैज़ द वॉइस इन द सेंटेंस गिवन बिन करेक्टली चेंज। अच्छा ये देखिए इसमें वॉइस का आ गया है, द गार्ड इज वॉचिंग द कार, तो इसका इज विंग में बदल देंगे यानी ऑप्शन चार हमारा सही हो जाएगा। हु एमोंग द फॉलोइंग 19th सेंचुरी पोएट एंड अमेरिकन हु गिवन द डेसेस इन द पोएम मेजर सिग्निफिकेंट डिवाइड इन सिंटेक्स एंड मीनिंग। और सिंटेक्स के रूप में कौन वो पोएट थे अमेरिकन जो काफ़ी डैसेस का प्रयोग करते, इसका इमली डिक्शन ये काफ़ी डैसेस का प्रयोग करती थी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 113 नंबर क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो ग्रामर से फिल इन द ब्लैंक है, इसका ऑप्शन दो सही है। ही लुक नर्वस अंटिल आई टोल्ड सिट डाउन द रिलैक्स, ठीक। अगर 115 पे बात करें, 115वां क्वेश्चन है, आई विजिट रिलेटिव इन, ये भी ग्रामर से ही इसमें आ गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, एवरी ईयर होगा। देखिए अरुंधति रॉय ऑन द 2006 DSS प्राइज़ फॉर द साउथ अफ्रीकन लिटरेचर फॉर इज नॉवेल। तो इस जो अरुंधति राय को साउथ एशियन लिटरेचर का DSB प्राइज़ दिया गया था, उनकी नॉवेल थी, हम इसको कह सकते हैं सीपिंग ऑन जुपिटर, इस इनकी सीपिंग इन जुपिटर इनकी वो नॉवेल थी जिनके लिए इनको प्राइज़ दिया गया था। 118 का हमारा चार नंबर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द मुल्क रात आनंद टू लिप्स एंड अ बर्ड, इसके प्रोटोगनिस्ट गंगू रहता है, इस चीज़ को आप लोग समझ जाइए, भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। हु आर द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, ग्रेवियर मार्शल ये रहते हैं, इसका ऑप्शन चार सही होगा, 117 का ग्रेवियर मार्शल इसके सही आंसर हो जाएंगे। आइए 118 पर बात करते हैं, नेथेनियल हॉथॉर्न ने स्कारलेट लेटर, व्हाट डिड द लेटर ए स्टैंड, लेटर ए जो नेथेनियल हॉथॉर्न ने आपने पढ़े होगा स्कारलेट लेटर, वो अडल्ट्री को शो करता है, ठीक इसका अडल्ट्री हो जाएगा। विच ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश पोएम हैज़ द फॉलोइंग ओपनिंग लाइन, लेट अस गो यू एंड आई, ए तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुरफॉक से ली गई है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, इसमें निडंट होगा, ठीक। अब देखिए एक और इसमें आया लिटरेचर का क्वेश्चन, विच रोमांटिक पोएट रोट, कौन सा रोमांटिक पोएट ने लाइन लिखी है, इसमें है वन पावर एलोन मेक अ पोएट, इमेजिनेशन द डिवाइन विजन। इसमें बहुत से लड़के कन्फ्यूज हुए थे, एस्ट्री कॉलेज उन्होंने भी प्राइमरी इमेजिनेशन सेकेंडरी इमेजिनेशन थ्री दिए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर विलियम ब्लैक होगा, ठीक विलियम ब्लैक ने इस चीज़ को दिया है। आइए 122वां पे अगर हम बात करें, 122वां क्वेश्चन हमारा है, हु एमोंग द फॉलोइंग मॉडर्न इंडियन पोएट इन इंग्लिश हैव द डेल द एक्सटेंसिवली विद द थीम ऑफ एग्जाइल। थीम ऑफ एग्जाइल पे देखिए तीनों ने बात की है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें कहीं मिला नहीं।
इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ए थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर इवर, ए थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर इवर, इसका करेक्ट आंसर है इंडिमियन। आप इंडिमियन पे इस पर क्लिक करेंगे, ए नहीं होगा, इंडिमियन है इसका आंसर, इंडिमियन की ये लाइन है। ठीक, इसको आप लोग केयर करिएगा। 123 का डी आंसर सही है। ठीक, फेमस लाइन है। व्हाट इज़ द क्लोजिंग लाइन किड्स ओ टू द नाइटेंगल, किड्स की क्लोजिंग लाइन का अंत कैसे करते हैं जो उनके पोएम में, ओ टू द नाइटेंगल। फेड इज दैट म्यूजिक डू आई वेक स्लीप, मैं ऐसे ही इस म्यूजिक को सुनते सुनते सो गया, मुझे पता भी नहीं है मुझे कब नींद आ जाती। इस लाइन का काफ़ी अच्छी पोएम है। अगर 125 पे बात करें हम लोग, हु एमोंग द फॉलोइंग वॉज द निक नेम ऑफ द नन ऑफ द एमहर्श, एमहर्श निक नेम रहता है इमली डिक्सन का, इस चीज़ को आप लोग केयर करिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस चीज़ को। ठीक, अब इसमें से एक द चर्च यार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री मीन्स, इसमें चर्च यार्ड पोएट्री जो बेसिकली मिनोल करी ट्रोन में लिखी जाती थी, इसका ऑप्शन 2 सही है। ठीक, अब 127 पे अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन इज नॉट एक्सप्रेसेड द डोरथिया मैकेलर इन द आइकन पोएम द कंट्री, कंट्री में इन्होंने सूखे की बात की है, वहाँ पर लैंडस्केप की बात की है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही होगा हमारा, ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर है। इसके लिए 127 का ए। 128 की अगर बात करें, द राइटर ऑफ एलेन पैटर्न एंड नेडियन ग्राडमियर केम फ्रॉम विच अफ्रीकन कंट्री, तो यह साउथ अफ्रीका से आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका से आते हैं, इनका रहता है वहाँ से। एक 129 ग्रामर का क्वेश्चन है, ग्रामर में ये कहते हैं इन विच ऑफ द ऑप्शन हैज़ द वॉइस इसका चेंज करना, एट लास्ट द थीप वॉच कार, इसका ऑप्शन एक इसमें क्या होगा, थीप वॉच बीन कॉट एट लास्ट, इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और एक ग्रामर पे है, इसमें ऑप्शन 3 पे सही मारते हैं। और 131 पे अगर बात करें तो ये भी है, इसकी लाइन है, ये ग्रामर है, तो ग्रामर पे हम एक और वीडियो बनाएंगे ग्रामर वाले पोर्शन पे। इतना ही हम लोग लिटरेचर पे आज बात किए हैं, जो लिटरेचर वाली लाइन है हमने इसमें एक 132 पे एक लिटरेचर को कंप्लीट द फॉलोइंग इमली डिक्शन, होप इज द थिंक विद फीदर्स, इसमें फीदर्स की बात की गई है। हाँ, ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने आज लिटरेचर पे बात की। अगर आपको और भी हम पे वीडियो देखनी है तो उस वीडियो को देखने के लिए पार्ट 2 पे हम ग्रामर पे बनाएंगे, हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।